हाय एवरीवन, सो दिस इज़ रौनक अजमानी। तो आज का ब्लॉग है हमारा अमृतसर का। तो आज मैं अमृतसर जा रहा हूँ, सुबह 5:40 की मेरी बस है। एंड ये नज़ारा मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो कि रात के 12:30 बजे का है। कुछ भी नहीं दिख रहा है, लाइक सामने पार्किंग में गाड़ी खड़ी वो तक नहीं दिख रही है, बिल्डिंग तक कुछ भी नहीं दिख रहा है, एवरीथिंग इज़ आउट। सो आप देख सकते हैं, तो बस 5:40 की बस है। अभी बस मैं थोड़ी देर में सोऊंगा, फिर सुबह उठ के आपको सारा सिनेरियोस दिखाऊंगा। तब तक के लिए बाय। ये देखो दो बंदे आते हुए, कोहरा देख सकते हैं आप। जय हिंद। तो मैं हो गया हूँ तैयार एंड तरुण आ गया है नीचे। तो मैं और तरुण निकल रहे हैं, तरुण मेरे साथ चल रहा है अमृतसर। तो अभी बस स्टैंड जा रहे हैं, खरड़ बस स्टैंड। So, मैं और तरुण अब निकल रहे हैं, उसके पापा हमें ड्रॉप कर चुके हैं। तभी हमारी सो राइट नाउ वी आर इन बस एंड मैं और तरुण बैठ चुके हैं, ठीक है, वी आर सेटल डाउन। तो हमारी सीट 29 and 30 है एंड सीट हमारा शॉक है। काफ़ी बंदे हैं जाने के लिए अमृतसर वाले। 3-3.5 घंटे का सफ़र है, देखते हैं निकल जाएगा। मेरे साथ तरुण भी है यहाँ पे एंड अभी हम लोग दोनों जा रहे हैं दरबार साहब ऑटो में ही। ऑटो वैसे 20 रुपये पर सवारी ले रहा है, तो ठीक है, इतना तो चलता है। तो मेन गेट पर उतार देगा हमें, फिर वहाँ से हम अपने पैदल चले जाएंगे। अच्छा था सफ़र यार, सोया सोया पार हो गया। क्यों तरुण सोया रह जाने? सोया रह जाए। यहाँ पर भी काफ़ी ठंड है, फॉग काफ़ी हुआ हुआ है। ठीक है यार, मज़ेदार मौसम है, विंटर का मज़ा आ रहा है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तो हम पहुंच गए हैं अमृतसर, मैं और तरुण। तो वी आर आउटसाइड ऑफ गोल्डन टेम्पल। तो अभी हम लोग आउटर स्कर्ट्स में हैं, तो अभी अंदर जाएंगे। आई विल शो यू एवरी बिल्डिंग। ये पहली बिल्डिंग है यहाँ पे, ये मेन गेट है, यहाँ से हम एंटर लिए। टू विल शो यू एवरी थिंग। तो बने रहे हमारे साथ, मैं कम बोलूँगा दिखाऊँगा ज़्यादा इस व्लॉग में, तो देखते रहना साथ ही साथ। आप देख सकते हैं कोहरा ही कोहरा हर जगह। ये अभी नया सारा बना है, ये वाला भी अम्बेडकर जी का भी अभी स्टैचू नया बना है यहाँ पे, ये पहले नहीं था यहाँ कुछ भी। तो एज यू कैन सी सिर्फ कोहरा है। ये तो होटल है बड़ा सा, बाकी ये म्यूजियम है, ये जो आप देख सकते हैं इस साइड। इधर से चलते हैं, विल शो यू एवरीथिंग।
थोड़ा थोड़ा ही दिखेगा क्योंकि कोहरा बहुत है, तो मैं ट्राई यही करूँगा कि जैसे जैसे दिन ढले तो कोहरा हटेगा एंड विल शो यू। ये हवेली है, हवेली है ना ये? हाँ हवेली है, काफ़ी अच्छा बनाया है। तो ये देखिए महाराजा रंजीत सिंह स्टैचू। महाराजा रंजीत सिंह, तो आ गए हैं हम गोल्डन टेंपल के स्ट्रीट में, एज यू कैन सी। सही बात है, जब यहाँ के मैकडोनल्ड ही खाना है तो फिर हम चंडीगढ़ में ना खा ले। ओ आप सूरज देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है चांद बन गया। ओए ओए ओए, तो ये एक और स्टैचू। तो ये है जलियांवाला बाग, ये रास्ते में ही पड़ता है, तो जलियांवाला बाग आप देख सकते हैं। हाँ हाँ दिखाऊंगा ना। और ये आ चुके हैं हम एकदम बाहर में, इसके जस्ट पीछे गोल्डन टेंपल है, तो अभी हम बस वहीं जा रहे हैं। शो यू एवरीथिंग। तो अभी हम जा रहे हैं जूता घर जो कि यहाँ पे है, शूज का। तो विल गो हेयर, कीप योर शूज हेयर। तो अपना शूज और बैग दोनों यहाँ पे जमा करवाएंगे। इवन बैग अपना यहीं रखवाएंगे। बैग अंदर ले चले? नहीं नहीं, बैग उतार लेंगे ना। सो ये है सामने जूता घर जहाँ हम जमा कराएंगे अपना शूज। तो ये जा रहे हैं शूज जमा कराने। सो ये अभी हमने शूज जमा कराया, तो दे विल प्रोवाइड अस अ टोकन जो भी मिलेगा। सो जैसे कि अभी हमने शूज जमा कराया यहाँ पे, तो अभी हमें एक टोकन मिलेगा हमारे शू का, ताकि हमें पता चले कि हमारे शू कौन से रैक में रखा हुआ है, नंबर में। बैग पीछे होएगा। ओके जी। सो ये मिल गया है मुझे टोकन, तो अभी मुझे पता चल गया कि मेरा शूज, मेरा और तनु का शूज कहाँ पे रखा हुआ है। तो हम ये दिखाएंगे उनको, तो वो हमें हमारा शूज वापस कर देंगे। तो अब हम जा रहे हैं बैग जमा कराने। तो यहाँ पर भी एक लगेज रूम है, तो वहाँ पे भी हमें एक टोकन मिलेगा लगेज का। एज यू कैन सी द बैगेज रूम, यहाँ पे जमा होती है बैग। ये रहा तरुण। तरुण मोबाइल भी नहीं। यहाँ पर पहले पूछ लिया जाता कि कैश है या मोबाइल है, ताकि कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या कोई महंगी चीज़ें ना हो इसमें। तो यहाँ पर हमने जमा करा दिया बैग्स और अब हम निकलेंगे। तो हमें यहाँ पर भी एक टोकन मिल जाएगा, फिर हम उस टोकन से अपना बैगेज वापस ले सकते हैं। सो ये एक और टोकन मिल गया हमें 549 नंबर से। तो अब हम चल रहे हैं एंट्रेंस की तरफ, आपको सारा कुछ दिखाते हैं साथ के साथ। पता नहीं चल रहा है पैरों में ठंड क्या, मुझे लग रहा थोड़ा थोड़ा, पर ठीक है यार, धीरे धीरे सब मैनेजेबल हो जाता है। सो ये एंट्रेंस एरिया है, तो गार्ड साहब खड़े हैं एंड जो बाहर से आते हैं लोग उनको गाइडेंस मिलती है इनके हेल्प से। यू कैन सी नो स्मोकिंग एरिया, इट्स अ वेरी गुड थिंग कि हाँ ये सब बोर्ड्स लगे हुए हैं। ओ वाह द फाउंटेन, ये आके देखेंगे, पहले हम चलते हैं अंदर दर्शन करने, जो जिसका इंतज़ार कर रहे थे वो आपको करवा दें। बट अंदर जाने से पहले हम जाएंगे यहाँ पे हाथ धोने। आ जा तरुण,
पहले हाथ धो लेते हैं क्योंकि हमने शूज को हाथ लगाया, तो पहले हाथ धो लो। तो अब कोई अभी अभी आपको सामने का नज़ारा दिखेगा। वेल वो रहा, कोहरे के कारण कुछ पता नहीं चल रहा, बट आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा नज़ारा। एज यू कैन सी द गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर। एज यू कैन सी कोहरा है तो वी कैंट मेक यू क्लियर, बट आ चुके हैं गोल्डन टेम्पल। एज यू कैन सी ये रहा गोल्डन टेम्पल। जस्ट बिकॉज ऑफ फॉग अभी कुछ भी नहीं दिख पा रहा, फॉग इतना है यहाँ पे, इवन यहाँ का जल भी नहीं दिख पा रहा जो बेसिकली फेमस है, बट दर्शन कर सकते हैं आप ऐसे। सो एज यू कैन सी इतना फॉग है कि कुछ भी चीज़ क्लियर नहीं दिख रही है, जैसे जैसे पास जा रहे तब थोड़ी क्लियर दिख रही है। और ये है जल वाला पार्ट, यहाँ पे सब पानी पीते हैं, तो ये पानी हम कोहली में पीते हैं, बड़ी सी कोहली होती है उसमें पीते हैं, ग्लास में पानी नहीं मिलता, इट इज़ इन कोहली, तो हम लोग कोहली में पीते हैं पानी यहाँ पे। सो ये है आई डोंट नो, बट दर्शन कर लो आप। मुझे प्रॉपर नहीं पढ़ा पता क्योंकि मुझे पंजाबी पढ़ने नहीं आती है। अच्छा सो दिस इज अ बाबा दीप सिंह जी द मार्टर, मतलब कि शहीदी, यहीं पे हुए थे, बाबा दीप सिंह जी की शहीदी हुई थी, तो आप देख सकते हैं बाबा दीप सिंह जी की फोटो लगी हुई ऊपर। सो इन्होंने अपनी कुर्बानी दी थी गुरु सिख के लिए, एक हाथ में एज यू कैन सी अपना सर और एक हाथ में तलवार। जा रहे हैं मेन गोल्डन टेंपल की तरफ क्योंकि वो पूरा लंबा ट्रैक है वहाँ पे, वो वाला जो हमें कवर करना है, एंड इट विल टेक अराउंड 4 to 5 hours टू कंप्लीट। कभी कभी ऐसा होता है कि 7-8 घंटे भी लग जाते हैं रश के कारण, बट लेट्स सी। अब गुरु के घर आए हैं तो दर्शन करके ही जाएंगे, क्यों दर्शन इतनी दूर आए हैं, तो दर्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये हम सिखों का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस है गुरु नानक देव जी की, तो दिखाते हैं सब कुछ आपको। हर पॉइंट पे जल का बना हुआ है, पानी पी सकते हैं, दैट्स अ ग्रेट थिंग। और यहाँ पे आप प्रसाद ले सकते हैं चढ़ाने के लिए जो कि अवेलेबल, यहाँ पर हमें टोकन लेना है तो और वहाँ प्रसाद मिलेगा, तो पहले आई हैव टू टेक अ टोकन फ्रॉम हेयर। आप जितने की लेना चाह सकते हो, 50 हो 100 हो, तो टोकन लेंगे, फिर वहाँ हमें वो टोकन के बदले प्रसाद मिलेगा। सो ये है एंट्री जाने के लिए गोल्डन टेम्पल, एंड ये वन मोर गुरुद्वारा है। सो ये दोनों हमारे गुरुद्वारे के एक एक चीज़ें मेन बता दूँ कि जो गोल्डन टेम्पल है वो भक्ति के लिए है, एंड दिस गुरुद्वारा इज़ फॉर शक्ति। सो ये गुरुद्वारा थोड़ा सा टेढ़ा बना हुआ है, दैट्स वाई, क्योंकि यहाँ जो कीर्तन होता है वो वहाँ सुनाई नहीं देता, वहाँ का कीर्तन यहाँ सुनाई नहीं देता, दोनों आमने सामने नहीं हो सकते, क्योंकि जहाँ शक्ति होती है वहाँ भक्ति नहीं होती, जहाँ भक्ति होती है वहाँ शक्ति नहीं होती, मना तो नहीं है ना। सो अब हम चले एंट्रेंस, यू कैन सी द क्लैरिटी। अंदर हम वीडियो नहीं बना सकते थे बिकॉज दैट वॉज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, सो मैंने अंदर का आपको दिखाया नहीं, सभी सब बाहर से ही दर्शन करते हैं फ़ोटो के ज़रिए या वीडियो के ज़रिए। बाकी सूरज निकला है एंड नाउ हमने दर्शन भी कर लिया, प्रसाद वर्साद सब ले लिया है,
नाउ वी आर गोइंग टू लंगर हॉल। तो साथ साथ आपको वीडियो क्लिप्स दिखाता हूँ, मैं बोलूँगा नहीं, खाली आपको क्लिप्स दिखाऊँगा ताकि आप व्यू देखो, मुझे नहीं। सरोवर देखे आप ना, यू कैन दो मर गए ने, बाकी मैं नहर से छड़ा है। इस पेड़ का भी एक अलग हिस्ट्री है, दैट इज बीर बाबा बुड्ढा साहेब। सो एज यू कैन सी, इनका भी एक अपनी हिस्ट्री है। तो आप जब आएंगे यहाँ तो आराम से पढ़ सकते हैं। एंड यू कैन सी द हरमंदिर साहेब, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो दर्शन हो गए हमारे एंड प्रसाद खावांगे, लंगर खाने जा रहे हैं लंगर हॉल। तो विल शो यू दैट आल्सो, अगर वहाँ शूट करने का अलाउ हुआ तो आपको लंगर हॉल भी दिखाएंगे एंड दिखाएंगे कि लंगर में क्या क्या मिलता है। बने रहे हमारे साथ। सो अब हम चले लंगर करने, लंगर हॉल दिस साइड, इधर से आ रहे हम लंगर करने। सो ये है लंगर हॉल, तो दिखाते हैं आपको, अगर यहाँ वीडियो अलाउ हुआ तो विल शो यू एवरीथिंग। तो ये रहा लंगर हॉल, जहाँ पे थालियाँ सब मिलेंगी। ये देख सकते हैं, तो लंगर हो चुका है और अब हम जा रहे हैं वापस थोड़ा रेस्ट करने फिर। तो अब हम जा रहे हैं बाहर, दर्शन हो चुके हैं, लंगर इज़ ऑल्सो डन। तो मैं और तरुण चले बाहर की साइड। सो दिस इज़ एन एग्ज़िट गेट, जहाँ से एंट्री हुई थी वहीं से एग्ज़िट भी है। सो जाते जाते आपको एक बार आखिरी बार दर्शन करवा देता हूँ, तो आप सब कर सकते हैं दर्शन फिर से। सो नाउ आई एम गोइंग आउटसाइड और रेस्ट रूम में रेस्ट करूँगा, फिर शाम की ट्रेन। सो हम जा रहे हैं। सो नाउ वी हैव टेकन एग्जिट। तो हम आ गए हैं बाहर और ये खूबसूरत सा झरना आप देख सकते हो एकदम सामने। ओह माय गॉड, दिस सो ब्यूटीफुल। सो ये आउटसाइड ऑफ गोल्डन टेंपल है, कुछ ऐसा सा बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने, और आप देख सकते हैं अंदर हरमंदिर साहिब, अकाल तख्त साहिब। सो एज आई हैव टेकन माय शूज बैग, तो तरुण गया बैग लेने, मैं शूज़ ले आया हूँ अपना भी और तरुण का भी। तो अब हम निकलेंगे रेस्ट रूम। आ गए हैं अमृतसर रेलवे स्टेशन, चलो तरुण चला। यहाँ पर रेलवे स्टेशन अपन स्पेशल ट्रेन बुक कराई हुई है। कड़ी कराई, शताब्दी कराई है, शताब्दी से चल रहे हैं आप वापस। मैं ड्राइवर ने हमने फ़ोन लाया, कहना आ रहे हैं भाजी हैं आप अमृतसर रेलवे स्टेशन। बुक करा रखे ड्राइवर, कड़ा बुक करा रखे तू है, केड़ा केड़ा गाइस अपनी ट्रेन हो चुकी है।
breakfast and now I'm in the train and going back to Chandigarh. सो हम आ गए चंडीगढ़ वापस. तो आई होप वीडियोस आपको बहुत पसंद आई होगी. तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड जो भी गलतियाँ होंगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना एंड प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलना. आई होप मैंने आपको दर्शन अच्छे से करवा दिया होगा. तो कीप इंजॉइंग, टेक ब्लेसिंग्स एंड हैव फन. बाय बाय.